गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देन आज की इस न्यू वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं 5 इन एप्लीकेशन के फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि अभी यहां पे ये अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले अगर बात करेंगे गाइस कि 5 इन एप्लीकेशन क्या लॉट करके आने वाला है, देन आज की इस वीडियो में ये भी बात करेंगे फाइनल अपडेट क्या है, क्या 5 इन सबसे में लॉट करके आने वाला है या फिर 5 इन एप्लीकेशन स्कैम करके यहां पे जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेना और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे ही अपडेट्स वाली वीडियो भी आती रहती है और अर्निंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस हम यहाँ पे देते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गाइस बात करते हैं 5 इन एप्लीकेशन के बारे में। तो 5 इन एप्लीकेशन के हम उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप के अंदर हैं जिसके अंदर सारे अपडेट्स दिए जा रहे थे। यहाँ पे पूरा ये कांड क्या हुआ ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे जून 3 को यहाँ पे एक मैसेज आया, यहाँ पे सिस्टम इज मेंटेनेंस आफ्टर, यहाँ पे देख सकते हो 2.5 घंटे के लिए इन्होंने बोला कि 2.5 घंटे हमारा यहाँ पे सिस्टम अपडेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई विड्रॉल आप कर सकते हो, विड्रॉल में यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, उन्होंने इस मैसेज के अंदर बात करा। उसके बाद यहाँ पे एक और मैसेज आता है काफ़ी दिन बाद, देख सकते हो यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 5 को ये मैसेज आता है कि बेइंग अपग्रेडेड, यानी कि अपग्रेड कर रहे हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म को। एक और मैसेज आया था, देन उस मैसेज को अब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अब हमको ये चीज़ एक फाइनल चीज़ देखनी है, क्या 5 इन एप्लीकेशन सच में लौट करके आने वाला है और या फिर चल रहा है। आज की इस वीडियो में यही बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी 5 इन एप्लीकेशन अब लौट करके नहीं आने वाला है। देन 5 इन एप्लीकेशन का जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं भाई मत करो, क्योंकि 5 इन एप्लीकेशन अब लौट करके नहीं आने वाला है। लेकिन बात करेंगे इसकी क्या 5 इन एप्लीकेशन सच में चल रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मार्केट में ये भी बोल रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन चल रहा है। उस एप्लीकेशन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट दे दें कि इस एप्लीकेशन यानी 5 इन एप्लीकेशन के अंदर जितना भी आपका पैसा गया है वो आप साइबर कैम में रिपोर्ट करके वापस ले सकते हो। कैसे? आप रिपोर्ट डाल सकते हो, जब काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स पड़ती है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है और आपके पैसे वापस करा सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपल कंप्लेन रेज करनी है और जा करके आपको यहाँ पे कंप्लेन करनी है कि भाई हमारा पैसा यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसा था और जो कि साइड अब बंद हो चुकी है और हमारा पैसा वहाँ पे फंस चुका है। तो सिंपल आप जा करके साइबर कैम की यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, शायद तर आपका पैसा मिल जाए, क्योंकि 5 इन वेबसाइट बहुत ही बड़ी वेबसाइट थी और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत पैसा इसके अंदर लटका हुआ था। देन अब लौट करके वो शायद पैसा लौट करके नहीं आने वाला है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी थी और यहाँ पे देख तो अगस्त हो गया और यहाँ पे ये जून की बात है, यानी 5 जून से यानी कि जून एंड जुलाई निकल गई और ये अगस्त भी ऑलमोस्ट अब फिनिश होने ही वाला है, यानी कि 20 दिन बचे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी स्टार्टिंग ही हम मानेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी 2 महीने के प्लस में हो गए। अगर कुछ इरेज प्रॉब्लम हुई होती यानी वेबसाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होती तो अभी तक नहीं सॉर्ट आउट कर दी जाती, लेकिन अब वेबसाइट लौट करके नहीं आने वाली। ये 100% एक मतलब कि आप समझ सकते हो ये एक न्यूज है और इसे आप समझ सकते हो ये कभी लौट करके नहीं आने वाली है, इसकी वेट नहीं करते हैं। सिंपल अब इसके ऊपर एक ही चीज़ करते हैं, कंप्लेन रेज करते हैं, सब लोग जा करके आपको यहाँ पे करना है साइबर कैन के अंदर रिपोर्ट। और साइबर कैन के अंदर कैसे करोगे, गूगल पर सर्च करना साइबर कैन, देन उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आपको जा करके कंप्लेन रेज करनी है। सो गाइस वहाँ से आपका पैसा आ सकता है, क्योंकि अगर 10-20 हज़ार अगर वहाँ पर कंप्लेन जाती हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर सुनवाई 100% की जाएगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो वीडियो को शेयर करो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।